खबर रीवा जिले से है, जहां संगठन के अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा, संयोजक डीएन मिश्रा, समाज सेवी करदम ऋषि तिवारी, केशव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि मऊगंज जिला अनुभाग के लोगों का हक व अधिकार है, जिसे प्राप्त करना जनहित में हम सबका संकल्प व लक्ष्य है। मऊगंज जिले की मांग को लेकर जिला निर्माण संघर्ष परिषद मऊगंज के सदस्यों द्वारा विगत 23 जनवरी 2007 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को SDM कार्यालय मऊगंज के समक्ष धरना कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया था। संघर्ष परिषद द्वारा जन अभियान के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष आधा दर्जन अवसरों पर मऊगंज जिला हेतु ज्ञापन व आग्रह पत्र सौंपे गए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने वर्ष 2008, 2013 व वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों के पूर्व मऊगंज विधानसभा में अपने चुनावी दौरे में मऊगंज को जिला बनाने का आश्वासन दिया, परंतु आश्वासन पर अमल न होने से जन भावना का अनादर हुआ है। संघर्ष परिषद द्वारा मऊगंज देवतालाब विधानसभा के प्रतिनिधियों के समक्ष मऊगंज को जिला बनाने हेतु मुख्यमंत्री के समक्ष पहल करने का आग्रह किया जाता रहा है, परंतु कोई भी प्रामाणिक व ठोस प्रयास न होने से जिले की मांग दशकों से लंबित है। मऊगंज जिले की मांग को पूरा कराने में जिला निर्माण संघर्ष परिषद द्वारा मऊगंज के मतदाताओं के समक्ष रखकर उसे पूरा कराने में पक्ष समर्थन प्राप्त किया जाएगा। जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री का मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में आगमन नहीं होगा, तब तक मऊगंज जिला की मांग लंबित रहने की संभावना नजर आ रही है। तो वहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर जिले के बनाए जाने को लेकर सोशल मीडिया में लोगों को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है, जिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में भाजपा सरकार मऊगंज जिले की मांग पूरा नहीं करती है तो जिला निर्माण संघर्ष परिषद चुनाव मैदान में उतरेगा और मऊगंज जिला बनाने में मतदाताओं के निर्णायक भूमिका संघर्ष परिषद सुनिश्चित कराएगा। आज भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है और जिला निर्माण संघर्ष परिषद के द्वारा विगत 23 जनवरी 2007 से मऊगंज जिला बनाने की मांग को लेकर के एक जन अभियान की शुरुआत हुई थी। एक धरने, बड़े धरने के साथ SDM कार्यालय मऊगंज के सामने से हुई थी। तब से अनवरत रूप से मऊगंज जिला बनाने का ये अभियान कई 16 वर्षों से जन अभियान के तहत चल रहा है। आज उसी की वर्षगांठ है और इस वर्षगांठ के अवसर पर इतना लंबा अंतराल बीत जाने के बाद मऊगंज जिला, मऊगंज देवतलाव में रहने वाले लोगों के का हक और अधिकार है और जिसे प्राप्त करना उनका हक बनता है, उन्हें न्याय के रूप में मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के आज जो लेखा जोखा हमने 16 वर्षों में जिला आंदोलन के लिए किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से उस संदर्भ में चर्चा करने के लिए यहाँ आहूत किए हैं। मेरा आग्रह ये है कि जिले की बात को लेकर के लगभग अब सभी दलों में ये बात उभर करके आई है कि मऊगंज जिला बनना चाहिए, इसको लेकर के अब कोई गतिरोध नहीं है। लेकिन जिला कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसको लेकर के अनिश्चितताओं का दौर अभी भी जारी है। पिछले 3-4 महीनों से जिला निर्माण संघर्ष परिषद के हमारे वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, उनसे चर्चा के उपरांत हम लोगों को लगा कि मीडिया से, सोशल समाचार से आई समाचारों के आधार पर जिला जल्दी ही बनने की कगार में है। इसलिए हम विशिष्ट दिन पर कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनसे प्रेरणा लेकर के, उनकी परिकल्पना के आधार पर, उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग ये चाहते हैं कि मतदाता हमारा पक्ष समर्थन करें, हम उनको जिले का सौगात, उनको जिले की सौगात दिलाएंगे। ऐसा इस जन अभियान का अब हिस्सा आने वाले दिनों में, जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक अनवरत रूप से जारी रहेगा। ये मुख्य अपना आप लोगों को बुलाने के पीछे अपनी मंशा है कि जो अपनी कार्य योजना है, अब हम नेताओं के पास जाकर के काफ़ी अवसरों पर सभी प्रतिनिधियों को और प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री जी को मिले। ऋषि जी बैठे हुए हैं, जिम्मेदार लोग हैं भोपाल से लेकर के और रीवा, और रीवा से लेकर के मऊगंज में, जब जब मुख्यमंत्री का आना हुआ, चाहे चुनावी दौर में आए हों, चुनावी दौर के बाद आए हों, लेकिन हम लोगों ने बड़ी प्रमुखता से जिले की बात उठाई। और दूसरी बात, हमने किसी प्रकार से और मुख्यमंत्री के पास कोई अन्य मुद्दे लेकर के नहीं कहे, लेकिन जिले की बात हमारे
तमाम जो वरिष्ठ जन हैं और जो हमारे नौजवान लोग हैं जो ज़िले की आकांक्षा रखते थे, इन लोगों ने बड़े तत्परता से और बड़ी प्रमुखता से ज़िले की बात लगातार उठाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा 2-3-4 महीनों में आंदोलन रुका पड़ा था, उसके पीछे वजह यह थी कि जो सोशल मीडिया से समाचार आ रही थी, ये लग रहा था कि ज़िला अब बन जाएगा, जनवरी में बन जाएगा, दिसंबर में बन जाएगा इसके, लेकिन कोई उसके सरकारी निर्देश अभी तक कहीं पर प्रसारित नहीं हुए हैं। इसलिए सरकारी स्तर पर ऐसे आदेश आ जाएं, सरकारी स्तर पर ऐसे बयान आ जाएं, सरकारी तंत्र की तरफ से यदि कोई पत्राचार आ जाए तो हमको लगेगा कि ये प्रामाणिकता की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। लेकिन अब अभी सब अनिश्चितताओं के दौर में है, राजनीतिक अटकलबाजियों में ये चल रहा है, इसलिए अभी वो छल मुझे लगता है फिर चलने का काम है। भाजपा विधायक के जो उनके सहयोगी हैं वो मीडिया में दिसंबर में डाल रहे थे, उसके बाद जनवरी फरवरी की बात हो रही है, अब अगस्त की बात होने लगी। नहीं, 15 अगस्त को क्या उसका स्पष्ट नहीं है, 15 अगस्त को झंडा रोहण होगा जिले में, तो जब जिला बना रहेगा तब ना झंडा रोहण होगा, तो 15 अगस्त पहले जिला बन जाएगा तो झंडा रोहण होगा, 15 अगस्त को झंडा रोहण केवल होगा जिले के लिए होगा, तो मुझे लगता है कि ये लंबा चौड़ा जो आंदोलन हुआ सड़क से लेकर के और गांव तक, भोपाल शहर से लेकर के और नगरी क्षेत्र में, तहसील में, अनुभाग में, संभागीय कार्यालय में, उस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बात की चर्चा जरूर करेंगे कि इतना सब करने के बाद हमारे प्रतिनिधियों द्वारा ज़िले की मांग को लेकर के अभी भी कोई प्रामाणिक और ठोस प्रयास नहीं हुए हैं, जिसके कारण ये दशकों की मांग अभी भी लंबित है। अब हम इस मांग को लेकर के मतदाताओं के सामने जाएंगे और उनका पक्ष समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे कि चूँकि मतदाता ही सरकार का गठन करते हैं, मतदाता ही प्रतिनिधि चुनते हैं, इसलिए मतदाताओं के समक्ष जिले की मांग को रखेंगे, उनका पक्ष समर्थन मांगेंगे और उनके पक्ष समर्थन के आधार पर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को उनके जो उनका समर्थन मिलेगा, जो उनका प्रपत्र मिलेगा उसको लेकर के मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान को आग्रह पत्र लिखेंगे कि आप मऊगंज आओ, क्योंकि ये विडंबना है कि मध्य प्रदेश के हम निवासी हैं, मऊगंज क्षेत्र के लोग भी उतना हक रखते हैं जितना तमाम प्रदेश के 230 विधानसभा के लोग रखते हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री का यहाँ दौरा नहीं हो पा रहा है, केवल चुनाव के दौरान आते हैं। ऐसा ही 2008 में हुआ, 2013 में हुआ, 2018 में हुआ, और 2018 में निर्णायक बात उन्होंने कह करके यहाँ पर अपने चुनावी अभियान में कहा था कि हमारे प्रतिनिधि जीतेंगे तो हम मऊगंज जिला बनाएंगे, उसमें भी काफ़ी विलंब हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण इस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हम जनता के हित को सर्वोपरि मानते हुए मऊगंज जिले के लिए सतत रूप से जिस तरह से 16 वर्षों से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमने आंदोलन बना रखा था उसको अब आगे जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे संकल्प के साथ जब तक मऊगंज जिला बनाने का अपना लक्ष्य पूरा न हो जाए। आज चूंकि वर्षगांठ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी महान भारत के वीर सपूत हैं, इसी तिथि को हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इस तिथि पर आपको ये अवगत कराने के लिए यहाँ पर हमने आग्रह पूर्वक बुलाया है कि अब ये आंदोलन हमारा प्रतिनिधि पर नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री पर जरूर रहेगा केंद्रित, उनका यहाँ पर दौरा हो इसके लिए हम जरूर निवेदन पत्र भेजेंगे, आग्रह पत्र भेजेंगे, मांग पत्र भेजेंगे, निमंत्रण पत्र भेजेंगे कि वो मऊगंज की धरती में आए और जो कुछ भी मऊगंज के लोगों से उनका कमिटमेंट है, जो वादा किया था उसको वो पूरा करें, ये मुख्य उद्देश्य है। और इस बात को हम अकेले नहीं कहेंगे, इस बात के लिए हम पूरी तरह से मतदाताओं के समक्ष जाएंगे, मतदान केंद्रों में जाएंगे और आज इसकी शुरुआत हमने मुदरिया पंचायत से की है, अभी 2 घंटे पहले हम लोग वहाँ पर